बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग अब तक आपसे बात कर चुके थे रेजिडेंशियल स्टेटस की, और हमने पिछली क्लासेस में ये सीखा एक इंडिविजुअल को हम रेजिडेंट कब बोलेंगे बोलेंगे। तो हमने कहा था भाई इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है उसके पाकिस्तान में फिजिकल स्टे होने से। तो हमने कहा रेजिडेंट होने के दो तरीके हैं। नंबर वन, इंडिविजुअल के किसी भी टैक्स ईयर में उसका फिजिकल स्टे 183 डेज या उससे ज़्यादा हो तो वो रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू, अगर किसी भी टैक्स ईयर में उसका फिजिकल स्टे 120 दिन या उससे ज़्यादा है और पिछले 4 टैक्स ईयर्स में उसका टोटल स्टे जो है वो 365 डेज या उससे अबव है तो इस केस में भी उसको रेजिडेंट डिक्लेयर किया जाएगा। हाँ, अगर ये दोनों कंडीशन वो पूरी नहीं करता, उसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में 182 दिन या उससे कम है और पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, या पिछला रिकॉर्ड अगर है तो वो 4 साल का जो रिकॉर्ड बनता है वो 365 दिन से कम बनता है, तो लिहाजा इन तमाम सिचुएशंस के अंदर हम उसको क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट। फिर तो उसके बाद हम आए थे कंपनी की तरफ। हमने कहा था कंपनी को हमें तोड़ना है दो हिस्सों में। अगर हम जानना चाहते हैं कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस, एक कंपनी वो है जो इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है, एक कंपनी वो है जो पाकिस्तान से आउटसाइड इनकॉर्पोरेट हुई है। जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है वो रेजिडेंट है विदाउट एनी कंडीशन, भले उसका मैनेजमेंट कंट्रोल दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन जो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हो गई इनकॉर्पोरेट हो गई तो उसको हम टैक्स पर्पस के लिए क्या मानेंगे, रेजिडेंट मानेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर एक फॉरेन कंपनी थी तो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, ठीक है जी, तो क्या वो पाकिस्तान में टैक्स पर्पस पे रेजिडेंट हो सकती है? हाँ, हो सकती है अगर उसका इंटायर मैनेजमेंट कंट्रोल कहाँ एग्जिस्ट करता हो, पाकिस्तान में। ये एक मुश्किल बात है, ठीक है। उसके बाद एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप फर्म्स, वो टैक्स पर्पस के लिए कब रेजिडेंट मानी जाएंगी? जब होली या पार्टली उनका मैनेजमेंट कंट्रोल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, पाकिस्तान। अगर 100% मैनेजमेंट कंट्रोल पाकिस्तान से बाहर होगा तो फिर उस केस में वो एओपी क्या मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट। तो ये सारी बातें आपको रिकॉल हो ही होंगी, एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारी कवर की थी, बहुत तफसील से इन तमाम बातों को हमने समझने की कोशिश की थी। ऐसा ही है, सबको याद है, सबके दिमाग में वो एग्जाम्पल्स हैं। यूनिट लेवल वाली एग्जाम्पल्स भी हमने कवर की, हमने टोयोटा जापान इंडस मोटर्स की एग्जाम्पल्स कवर की, तो ये सारी एग्जाम्पल्स हमने कवर की अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपके दिमाग में सारी एग्जाम्पल्स रिकॉल हो रही होंगी, तो अब मुझे दोबारा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। चलें, अब हम आते हैं उस टॉपिक की तरफ दोबारा कि रेजिडेंट होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है जी। तो जुमला आपको याद होगा, आ रेजिडेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन हिज वर्ल्ड ओवर इनकम, क्या जुमला आपको याद है? आ रेजिडेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन हिज वर्ल्ड ओवर इनकम। ठीक है, अब देखो बेटा इस जुमले को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जो मैंने एक हिस्सा लिखा था बोर्ड पर अगर आपको याद हो, ठीक है। अ रेजिडेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन हिज वर्ल्ड ओवर इनकम, आगे एक पॉइंट था सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी, क्या था? सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी, तो आज उसको समझाने का वक्त आ गया बेटा, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। तो अगर आपको सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी समझ में आता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। यानी जो देखें जो स्टेटमेंट हम देने जा रहे हैं ना, उस स्टेटमेंट की हम नफी कर देंगे बाद में, हम उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। ऐसे ही अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ओनली ऑन हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी, ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड सुन लें और समझ लें वो क्या है। देखिए, जब मैं आपको ये जो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट का मसला समझा रहा था तो उस वक्त बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे थे, तो क्या हमें अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर, एक तो राहत फतेह अली खान ने इंडिया में टैक्स दिया, फिर उसी इनकम पर राहत फतेह अली खान पाकिस्तान में टैक्स देगा, तो क्या उसकी एक ही इनकम दो बार टैक्स होगी? ये इस तरह के सवाल हमारे जहन में आए। फिर कुछ सवाल इस तरह के भी जहन में आए हमारे कि ये क्या एक शख्स दो कंट्रीज में रेजिडेंट हो सकता है? तो याद होगा मैंने कहा उस वक्त, तो मैंने कहा अभी आप सिर्फ फोकस करें पाकिस्तान टैक्स सीखने के लिए, लेकिन
लेकिन ऑब्वियसली ये मसाइल तो है ना, लोग डिफिकल्टी तो फेस करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। इस बताइए आप मुझे, अगर एक इनकम पर आप बाहर भी टैक्स पे करके आए हों और आप पाकिस्तान में भी उसी इनकम पर टैक्स दें, तो इस तरह तो आपकी रेजिडेंट होने की बिना पर एक इनकम क्या हो गई, दो बार टैक्स हो गए। यस और नो? यस। तो अब जाहिर सी बात है, इस सिचुएशन को डील करने के लिए दुनिया में क्या होते हैं, कंट्री टू कंट्रीज ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटीज, ट्रीटी समझते हैं, मुहायदा, मुहायदे साइन होते हैं। क्या एक मुल्क दूसरे मुल्क से पैक्ट, बिल्कुल, एक मुल्क दूसरे मुल्क से मुहायदे साइन करता है। इंडस रिवर ट्रीटी सुना होगा आपने, सिंध तास मुहायदा, तो इस तरह ट्रीटीज साइन होती हैं, ट्रीटीज, बहुत सारी ट्रीटीज साइन होती हैं। एक ट्रीटी कहलाती है टैक्स ट्रीटी, ठीक है ना? अब व्हाट इज टैक्स ट्रीटी, ये समझाना है आप। टैक्स ट्रीटी इसलिए साइन की जाती है ताकि एक इनकम दो कंट्री में टैक्स ना हो सके। टैक्स ट्रीटी इसलिए साइन होती है कि टैक्स ट्रीटी इज एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, टैक्स ट्रीटी दो मुल्कों के दरमियान मुहायदा है, टैक्स ट्रीटी दो मुल्कों के दरमियान मुहायदा है। ये मुआहदा क्यों वो कर रहे हैं, ताकि लोगों को डिफिकल्टी फेस ना हो टैक्स कानून की वजह से। तो क्या टैक्स ट्रीटी टैक्स लॉ में मौजूद कोई कानून है? नहीं, टैक्स ट्रीटी टैक्स लॉ में मौजूद कोई कानून नहीं है। टैक्स ट्रीटी टैक्स लॉ के अलावा अलग से एक मुआहदा है, एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे इनकम टैक्स लॉ में मौजूद नहीं है। लेकिन टैक्स ट्रीटी इज बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, इज एग्रीमेंट बिटवीन टू गवर्नमेंट्स टू अवॉइड वॉट, डबल टैक्सेशन, फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। टैक्स ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। क्या ये बात समझ में आई आपको? टैक्स ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। अच्छा जी, ओके, देखिए आपका रिस्पॉन्स मिलता रहता है, तसली रहती है कि हाँ भाई ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पहले हम जनरल लॉ की तरफ जाएंगे। जनरल लॉ क्या है कि एक रेजिडेंट पर्सन को ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है, बल्कि उसको अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना है। चलें अपने सिनेरियो को, राहत फतेह अली खान वाले सिनेरियो को हम आगे लेके जाते हैं। राहत फतेह अली खान का स्टेटस मान लेते हैं हम रेजिडेंट, टैक्स ईयर 2020। क्लियर? राहत फतेह अली खान का हम स्टेटस क्या मान लेते हैं? रेजिडेंट, टैक्स ईयर 2020 में उसने पाकिस्तान से इनकम जनरेट की, ये उसकी कहलाई पाकिस्तान सोर्स इनकम। उसने इंडिया जाके रिकॉर्डिंग्स करवाई, उसने इंडिया में कॉन्सर्ट परफॉर्म किए, ये उसकी इंडियन सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन हमारे हमारे पाकिस्तान लॉ के लिहाज से उसको हम बोलेंगे फॉरेन सोर्स इनकम। मान लीजिए उसने दुबई में कॉन्सर्ट परफॉर्म किया, तो दुबई से भी जो उसने इनकम कमाई वो भी उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है। अच्छा, उसने इंग्लैंड यूके के अंदर कॉन्सर्ट परफॉर्म किया, तो यूके से जो इनकम कमाई वो भी उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है। मैं तीन कंट्रीज रख रहा हूँ आपके सामने, तीन कंट्रीज। मतलब इसका मतलब क्या है, इससे आगे बात नहीं बढ़ाऊंगा ताकि बात सिंपल रहे। राहत फतेह अली खान की टोटल इनकम जो है वो ओवरऑल कितने मुल्कों से हुई? पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से और इंग्लैंड से। यस? तो पाकिस्तान टैक्स लॉ के लिहाज से जो पाकिस्तान वाली इनकम है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, और जो इंडिया वाली इनकम है, जो दुबई वाली इनकम है और जो इंग्लैंड वाली इनकम है वो बेटा वो फॉरेन सोर्स इनकम। चले अब बताइए कि हम राहत फतेह अली खान को क्या मानते हैं? रेजिडेंट। तो इस लिहाज से राहत फतेह अली खान को ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है, बल्कि उसको अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर, यानी इंडिया वाली इनकम पर, यानी दुबई वाली इनकम पर और इंग्लैंड वाली इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना है।
यही जनरल लॉ था, यही जनरल लॉ था। अब इस जनरल लॉ में हम इजाफा करते हैं एक चीज का जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी, तो अब मैं बोलना चाह रहा हूं अगर टैक्स ट्रीटी है, अगर टैक्स ट्रीटी है तो फिर फॉरेन सोर्स इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना रेजिडेंट होने के बावजूद, रेजिडेंट होने के बावजूद। अब आप मुझे बताइए सिनेरियो मैं आपके सामने खोल के बयान कर रहा हूं, देखिएगा। राहत फतेह अली खान ने इंडिया में कॉन्सर्ट परफॉर्म किया, इंडिया में रिकॉर्डिंग्स करवाई, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने छोड़ा होगा उसको? क्या उसने टैक्स नहीं लिया होगा उससे? टैक्स लिया होगा ना। तो राहत फतेह अली खान अपनी इंडिया वाली इनकम पर तो ऑलरेडी इंडिया में टैक्स पे करके आ गया है। अच्छा, दुबई वाली इनकम, दुबई में इनकम टैक्स का कोई लॉ नहीं, डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, दुबई में डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं। दुबई में अब तक जो टैक्स चल रहा है वो इनडायरेक्ट चल रहा है, सेल्स टैक्स, वैट चल रहा है, ठीक है। वो भी पहली जनवरी 2018 से नाफिज हुआ था, उससे पहले तक वो भी नहीं था। तो जब दुबई में कोई डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं तो दुबई गवर्नमेंट ने तो राहत फतेह अली खान से कोई टैक्स लिया ही नहीं बेटा। ऐसे ही जब टैक्स होगा तो लेंगे ना, जब टैक्स है ही तो कैसे लेंगे। अच्छा, इंग्लैंड वाले केस में इंग्लैंड गवर्नमेंट ने भी HMRC, हर मजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स, जो कि इंग्लैंड के अंदर बोर्ड है किसका, टैक्सेशन का, उन्होंने भी उससे इंग्लैंड वाली इनकम पर टैक्स लिया। ठीक है, क्लियर बात होती है यहां तक आप सबको। अब आप मुझे बताइए अगर राहत फतेह अली खान जो है वो रेजिडेंट है तो वो कौन कौन से केस में डबल टैक्स फेस करेगा? क्या इंडिया वाले केस में डबल टैक्स फेस करेगा? क्या वो इंडिया वाले केस में डबल टैक्स फेस करेगा? यस करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी वो टैक्स पे करके आ चुका है और रेजिडेंट होने के बाद उसे पाकिस्तान सोर्स इन पाकिस्तान रेजिडेंट होने के बाद बिना पर उसको इंडिया वाली इनकम पर पाकिस्तान भी टैक्स पे करना पड़ रहा है। सर इंग्लैंड वाली इनकम अभी डबल टैक्स फेस कर रहा है, जबरदस्त, बेहतरीन बात, बेहतरीन बात। लेकिन सर वो दुबई वाली इनकम पर डबल टैक्स फेस नहीं करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लिया ही नहीं। ठीक है, गुड, जबरदस्त सिनेरियो क्लियर। अब और सिनेरियो आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, कोई टैक्स का मुआहदा नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त तकरीबन 48, तकरीबन जो मैंने लास्ट देखा था, तकरीबन 48 मुल्कों के साथ जो है वो टैक्स ट्रीटी साइन हुआ हुआ। पाकिस्तान का इंडिया से कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, ठीक है जी, कोई टैक्स डबल टैक्सेशन का पाकिस्तान का इंडिया से कोई टैक्स ट्रीटी नहीं। दुबई से टैक्स ट्रीटी करने की जरूरत नहीं, सोचिए जरा, क्या दुबई से टैक्स ट्रीटी करने की जरूरत है? क्योंकि दुबई में से बंदा पैसा कमाएगा वो डबल टैक्स तो फेस ही नहीं करेगा। तो दुबई से टैक्स, इंडिया से बातचीत बनती नहीं है इसलिए वहां टैक्स ट्रीटी नहीं है। दुबई से टैक्स ट्रीटी करने की जरूरत नहीं, भी वहां डबल टैक्स फेस ही नहीं करना पड़ रहा। इंग्लैंड से टैक्स ट्रीटी है, यूके से टैक्स ट्रीटी है, तो अब क्या होगा? सर जनरल लॉ ये कहता है, इसराइल कोई बात नहीं कर रहा है यार, इसराइल किससे कैसे हुँ? अभी हमारी एग्जांपल में इंडिया, दुबई, यूएई और इंग्लैंड की एग्जांपल चल रही है और उसकी इनकम हमने तीन मुल्कों से रखी है फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा, अप्लाई करते हैं जनरल लॉ। राहत फतेह अली खान ने इंडिया से इनकम कमाई, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है और वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट होने की बिना पर उसको ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है बल्कि उसको अपनी इंडिया वाली इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया वाली इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा और कोई टैक्स ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इंडिया वाली इनकम डबल टैक्स हुई, एक बार इंडिया में हो गई, एक बार पाकिस्तान में हो गई। अच्छा,
राहत फतेह अली खान रेजिडेंट है, उसको अपनी दुबई वाली इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि दुबई पे उसने कोई टैक्स पे नहीं किया, लिहाजा उसने कोई डबल टैक्सेशन फेस ही नहीं की, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ही गलत हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, राहत फतेह अली खान ने अपनी इंग्लैंड वाली इनकम पर इंग्लैंड में टैक्स पे कर दिया, और इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान टैक्स ट्रीटी मौजूद है। तो अब जनरल लॉ ये कहता है कि क्योंकि राहत फतेह अली खान जो है वो रेजिडेंट है, उसको ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स पे करना है, बल्कि अपनी इंग्लैंड वाली इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स पे करना है, लेकिन टैक्स ट्रीटी ये कहती है कि नहीं पे करना। टैक्स ट्रीटी ये कहती है कि जो जिस मुल्क से पैसे कमाएगा बस वहीं टैक्स देगा। तो अगर एक पाकिस्तानी इंग्लैंड से पैसे कमा लेगा तो वो इंग्लैंड में टैक्स देगा, फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं मांगेगी। तो ये टैक्स ट्रीटी है, लॉ बोल रहा है कि उसको रेजिडेंट होने के बिना पर अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स देना होगा, टैक्स ट्रीटी बोल रही है कि नहीं देना होगा। तो जरा बताइए, जब लॉ में और टैक्स ट्रीटी में इख्तलाफ आ जाएगा तो हम किसकी बात सुनेंगे, लॉ की या टैक्स ट्रीटी की? यस, टैक्स ट्रीटी बेहतरीन बात, टैक्स ट्रीटी प्रिवेल करेगी। इसका मतलब जर्नल, अब सुनिएगा गौर से, इसका मतलब अगर जनरल लॉ ये कहता है कि रेजिडेंट पर्सन को अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स देना है और टैक्स ट्रीटी बोलती है कि नहीं देना, तो फिर कौन सी बात प्रीवेल करेगी? टैक्स ट्रीटी। अब इस पूरे सिनेरियो को दोबारा आपके सामने रखते हैं, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई टैक्स ट्रीटी नहीं, पाकिस्तान यूए के दरमियान टैक्स ट्रीटी की जरूरत नहीं, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टैक्स ट्रीटी है। तो एक रेजिडेंट पर्सन अगर इंडिया से इनकम कमाता है तो उसको अपनी इंडिया वाली इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा पाकिस्तान में, बावजूद इसके वो इंडिया में टैक्स पे कर चुका है, डबल टैक्स तो फेस करेगा। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2, एक शख्स दुबई से पैसा कमा कर आता है, रेजिडेंट है, और दुबई और पाकिस्तान में टैक्स ट्रीटी की जरूरत ही नहीं है, ना उसने डबल टैक्स फेस किया, तो फिर बिल्कुल दुबई वाली इनकम पर उसको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा रेजिडेंट होने की बिना पर। उसके बाद नंबर थ्री, इंग्लैंड और पाकिस्तान में टैक्स ट्रीटी है, तो जनरल लॉ तो ये कहता है जनाब रेजिडेंट पर्सन को अपनी इंग्लैंड वाली इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स ट्रीटी बोलती है नहीं देना, तो बस बच गए, फिर फॉरेन सोर्स इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हुई। किस बिना पर एग्जेम्प्ट हुई? टैक्स ट्रीटी के बिना। ठीक है, पहले इतना बताते हैं कि यहां तक गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ वो आपको क्लियर है, अगर क्लियर है तो फिर मैं किसी भी किस्म के सवाल का जवाब दूंगा आज। हाँ भाई, सबसे पूछ रहा हूँ, हर बंदा बोले। हमने बोला जनाब अ रेजिडेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स नॉट ओनली ऑन हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम बट आल्सो ऑन हिज फॉरेन सोर्स इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। अ रेजिडेंट पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन हिज वर्ल्ड ओवर इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। क्या ये क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक इजाफी सवाल आ गया मेरे पास, ऊपर जो ऊपर गुजर गया, वो सवाल था कि भाई टैक्स ट्रीटी हमें फायदा कैसे देगी? फायदा देगी ना भाई, ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना यार, ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सोचिए जरा इस बात को, अगर टैक्स ट्रीटी ये बोलती है जो जो जिस मुल्क से पैसा कमाएगा वो उसी मुल्क को टैक्स देगा, तो अगर एक पाकिस्तानी इंग्लैंड से पैसा कमाता है, ठीक है, और वो इंग्लैंड में टैक्स पे कर चुका है, तो फिर पाकिस्तान उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, और अगर एक इंग्लैंड वाला पाकिस्तान से पैसा कमाता है और वो पाकिस्तान में टैक्स पे कर चुका है, तो फिर इंग्लैंड उससे टैक्स नहीं लेगा। तो इट मीन्स इधर का टैक्स उधर, उधर का टैक्स इधर, कंपनसेट हुआ कि नहीं हुआ? तो टैक्स ट्रीटी इज प्रॉफिटेबल, इज इट ओके? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ये दो तरफा, एक तरफा थोड़ी होगा, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो तरफा होता है। अब नेट में किसको बेनिफिट है और किसको बेनिफिट नहीं है, अब जरा ये बताइए, इंग्लैंड वाला ज्यादा पाकिस्तान में काम करता है या पाकिस्तान वाला ज्यादा इंग्लैंड में काम करता है? ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई ज्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, लेकिन उनको अपने अपने फॉरन अपने लोगों को बचाना भी तो है ना, मतलब टैक्स जरूर थोड़ी कि उनसे टैक्स जबरन, मतलब टैक्स उनसे लिया ही लिया जाए, लोगों को टैक्स रिलीफ भी तो देते हैं ना बेटा, टैक्स रिलीफ भी तो मिलता है ना कि नहीं मिलता? ठीक है, तो लोगों को सिक्योर भी तो करना है, लोगों को टैक्स देने पर राजी भी तो करना है। अगर इस तरह डबल टैक्सेशन होती है तो लोग टैक्स देने से भागेंगे ना, चोर दरवाजे मिल जाएंगे उनको जो आज भी मौजूद। बहरहाल, तो बताने का मतलब यहां पर यह था कि क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई?
इसका मतलब गुंजाइश क्या निकल गई, गुंजाइश ही निकल गई जनाब कि रेजिडेंट होने के बावजूद भी हमारी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स लगने से बच सकती है। शर्त क्या है? रेजिडेंट होने के बावजूद भी हमारी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स लगने से बच सकती है, शर्त क्या है? शर्त क्या है? टैक्स ट्रीटी। बेहतरीन जवाब, टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी हो तो बच जाएगा, टैक्स ट्रीटी ना हो तो नहीं बच पाएगा भाई। अच्छा सही है, ठीक है जी, गुड। दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं। देखिए, अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ओनली ऑन हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम। एक नॉन रेजिडेंट पर्सन को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। यानी जुमले का मतलब समझा? लॉ ये कहता है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन को पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है, और अगर टैक्स ट्रीटी हो तो वो भी नहीं देना, वो उससे भी बच जाएगा। क्या ख्याल है? बच जाएगा। एग्जाम्पल सुनिएगा जरा गौर से, एग्जाम्पल सुनिएगा गौर से। ये बताइए आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, आईएमएफ इदारा है। आईएमएफ को हम कंपनी की डैशन में फॉल करवा लेते हैं, ठीक है? कंपनी टैक्स की, कंपनी की डैशन बड़ी वसी है, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आईएमएफ है कंपनी, मान लीजिए आईएमएफ एक कंपनी है, मान लेंगे। तो अगर मैंने आईएमएफ को कंपनी बोल दिया तो बताइए आईएमएफ का स्टेटस क्या हुआ पाकिस्तान में, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? आईएमएफ का स्टेटस क्या हुआ पाकिस्तान में, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? क्यों क्यों ना, आईएमएफ क्यों पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है? आईएमएफ पाकिस्तान में क्यों नॉन रेजिडेंट? नो, गलत जवाब। इसलिए कि इनकॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान से बाहर? नहीं यार, तो जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट होती है वो नॉन रेजिडेंट हो सकती है, उसकी गुंजाइश तो है ना लॉ में नॉन रेजिडेंट बनने। हाँ, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां पर है? बाहर। असल बात की तरफ आओ ना यार, डिसीजन लेने की पावर कहां पर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? कहां पर है? अमेरिका में, पाकिस्तान से बाहर। अच्छा, अब अगला सवाल सुनो। अब अच्छी बात, क्या आईएमएफ की पाकिस्तान सोर्स इनकम हो सकती है? क्या आईएमएफ की कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम हो सकती है? जवाब दीजिए। आईएमएफ ने हमें लोन दिया, आईएमएफ ने हमें लोन दिया, ठीक है? उस लोन पे हमने क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। बेहतरीन बात। तो वो इंटरेस्ट जो आईएमएफ ने हमसे कमाया वो आईएमएफ की क्या कहलाई? पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो कम से कम आईएमएफ को नॉन रेजिडेंट होने की बिना पर पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। क्या ख्याल है? देना पड़ेगा। लॉ तो यही बोलता है, लॉ तो यही बोलता है, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन को अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, लॉ तो यही बोलता है। लेकिन अगला सवाल, क्या आईएमएफ हमें टैक्स दे रहा होगा? क्या आईएमएफ हमें टैक्स दे रहा होगा? आप जवाब दें सब लोग। वो बोलेगा अबे तुम्हें लोन भी दें और तुम्हें टैक्स भी दें, हैं? तुम कर्जे भी हमसे लो और टैक्स भी हमसे लो, क्या कहते हो? तो कोई मुआहदा होगा ना पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान, या कोई टैक्स ट्रीटी तो साइन हुई होगी ना इस तरह की, जिससे वो बच जाए। किस चीज से बच जाए? टैक्स लगने से बच जाए। इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ कि एक नॉन रेजिडेंट पर्सन को अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना होता है, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर टैक्स ट्रीटी हो तो नॉन रेजिडेंट पर्सन को पाकिस्तान सोर्स इनकम पर भी टैक्स देना नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? बता ओके गुड जबरदस्त बेहतरीन। अच्छा पीएसएल हुआ पाकिस्तान में, पीएसएल हुआ पाकिस्तान। ये फॉरेनर्स हमारे मुल्क आए थे, पीएसएल कमेंटेटर्स आए थे फॉरेन कंट्रीज, ये डिफरेंट टीवी चैनल्स ने फॉरेनर्स को एनालिसिस के लिए बिठाया हुआ था पाकिस्तान में। अगर आप वर्ल्ड कप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी देखें, तो इंग्लैंड के प्लेयर्स, कुछ इंडिया के प्लेयर्स, जहीर खान है, क्या कहते हैं, जहीर खान पाकिस्तान में, अगर आप चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल अगर आपको याद हो, जहीर खान उस वक्त कहाँ बैठा हुआ था? इंडिया का जो बॉलर था जहीर खान, वो पीटीवी में बैठा हुआ था, और वो पीटीवी के अंदर बैठा हुआ क्या कर रहा था? वो एनालिसिस दे रहा था, यानी पीटीवी ने उसको चैंपियंस ट्रॉफी में हायर किया हुआ था सर्विसेज देने के लिए। पता आपको इस बात का? जवाब दीजिए। वो मॉरिसन जो आता है जो पीएसएल में खास रेसलिंग नुमा जो कमेंट्री करता है, डैनी मॉरिसन, ठीक है। तो क्या क्या ख्याल है पीएसएल के दौरान और चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इन लोगों का पाकिस्तान में स्टे कितना होगा यार? मंथ का मुश्किल से। तो क्या एक मंथ के स्टे के बिना पर डैनी मॉरिसन या जहीर खान पाकिस्तान में क्या मान ली जाए, रेजिडेंट मान ली जाए, नॉन रेजिडेंट मान ली जाए, क्या मान ली जाए? नॉन रेजिडेंट। गुड जबरदस्त। तो डैनी मॉरिसन ने जो कमेंट्री करके यहाँ पैसा कमाया, ये किसी कमर्शियल में, किसी टेलीविजन एड में वो आ गया, या वो क्या नाम है आपका, पेशावर जलमी वाला जो कैप्टन था आपका, बूम बूम बबल गम में आ गया, उसने क्या कर लिया, ऐड भी कर लिया पाकिस्तान में, डैरेन सैमी, बिल्कुल ठीक है। या जहीर खान ने पीटीवी से जो पैसा कमाया, ये सब इनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है क्या? जवाब दें। है, वेरी गुड। अब मान लीजिए, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, तो जहीर खान को अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर तो पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कौन है? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है। अच्छा, डैने मॉरिसन का ताल्लुक जो है वो मान लीजिए मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड से है, शायद न्यूजीलैंड से। अच्छा, एक और भी बंदा बैठा था उस कमेंट्री में जहीर खान के साथ, जो इंग्लैंड का प्रीवियसली कैप्टन रहा है, जानता है आपने से कोई? चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो इंग्लैंड का एक माजी का कैप्टन माइकल वॉन मेरे ख्याल से उसका नाम था, वो भी उस वकार के साथ कमेंट्री में बैठा था चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता था 2017 में मेरे ख्याल से। सो माइकल वॉन भी उस कमेंट्री में बैठा हुआ था, और उसने जो पीटीवी से कमाया वो पैसा भी उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाया चलाया ना, उसका स्टे भी पाकिस्तान मुश्किल से महीना भर रहा होगा, तो वो भी पाकिस्तान क्या कहलाया? नॉन रेजिडेंट कहलाया। लेकिन अगर पाकिस्तान और यूके में टैक्स ट्रीटी है तो फिर क्या होगा? माइकल वॉन, अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में टैक्स ट्रीटी है तो डैनी मॉरिसन की जो पाकिस्तान सोर्स इनकम में क्या होगा, वो टैक्स होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीट। तो मैं समझता हूं आप सबको ये गुफ्तगू समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। यहां तक कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके गुड जबरदस्त बेहतरीन।
क्या देखो, अब यहाँ पे ठहर के जरा संभलना और सुनना मेरी बात को, अब स्टॉप, अब सुनना बात को। क्या जहां तक हमने सीखा, रेजिडेंट पर्सन को ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना होता है, बल्कि अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना होता है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट है टैक्स ट्रीटी, जो कि लॉ से अलग एक डॉक्यूमेंट है। अगर टैक्स ट्रीटी मिल जाए तो फिर रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक नॉन रेजिडेंट पर्सन को अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना होता है, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर टैक्स ट्रीटी हो तो फिर उसको अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर भी टैक्स नहीं देना। तो टैक्स ट्रीटी इज आउटसाइड द लॉ। टैक्स ट्रीटी इज आउटसाइड द लॉ, ठीक है जी। लेकिन क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी कोई लॉ बनाता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लॉ मौजूद हो और कुछ एक्सेप्शंस लॉ के अंदर मौजूद हो, और लॉ ये बोले कि हाँ भाई कुछ सिचुएशन ऐसी हैं लॉ में ही जिनमें रेजिडेंट पर्सन को अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स देना ना पड़े, फिर वो टैक्स ट्रीटी नहीं होगी, फिर वो लॉ होगा। पॉसिबल है, ये टेक्निकल बात है। यानी अभी तक जो डिस्कस किया एक्सेप्शन में वो टैक्स ट्रीटी थी, तो मैं अब क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि जनाब टैक्स ट्रीटी के अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही खुद क्या कर दे, रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम को एग्जेम्प्ट कर दे। सबसे बात कर रहा हूं, सबसे बात कर रहा हूं, हर बंदा देखो जब तक बात सबको समझ में आनी चाहिए बात। तो इट मींस टैक्स ट्रीटी वाली बात खत्म हो गई। अब हम जो अगली बात शुरू करने जा रहे हैं, अगली बात यह है कि लॉ में ही गुंजाइश निकला है, लॉ में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गुंजाइश निकला है। किस चीज की? कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रेजिडेंट होने के बावजूद क्या कर दे, आपकी फॉरेन सोर्स इनकम को एग्जेम्प्ट कर दे। तो क्या ये गुंजाइश आपको समझ में आती है? चले, तो इसका मतलब अब जो मैं आपसे सिनेरियो डिस्कस करने जा रहा हूं, वो सिनेरियो ये है कि एक रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान, एक रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स ट्रीटी के अलावा, टैक्स ट्रीटी के बगैर कैसे एग्जेम्प्ट हो सकती है। स्टार्ट करूं ना? स्क्रीन देख रहे हैं बेटा? स्क्रीन पर आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, किस नाम से? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट, क्या ये दिख रहा है आपको बेटा? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट, ठीक है जी, गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अगर कोई शख्स पिछले 4 टैक्स ईयर में क्या था, नॉन रेजिडेंट, अगर कोई शख्स, मैं बोर्ड पे आ रहा हूं, बोर्ड पे जरा आप देखिएगा सब लोग, टैक्स ईयर 2020, तो 2020 को क्या मानू मैं, करंट टैक्स ईयर, क्या मानू, करंट टैक्स ईयर। प्रीसीडिंग टैक्स ईयर कौन सा हुआ, इससे प्रीसीडिंग, इससे पहले वाला 19, उससे पहले वाला 18, उससे पहले वाला 17, उससे पहले वाला 16, ऐसे ही। ठीक है जी, इसका
स्टेटस, स्टेटस रेजिडेंट, स्टेटस नॉन रेजिडेंट। अगर एक शख्स करंट टैक्स ईयर में क्या है बेटा, रेजिडेंट, लेकिन वो पिछले 4 टैक्स ईयर में क्या था, वो पिछले 4 टैक्स ईयर में क्या था, नॉन रेजिडेंट। अगर एक शख्स करंट टैक्स ईयर में क्या है, रेजिडेंट है, और वो पिछले 4 टैक्स ईयर में क्या था, बोलिए बेटा, वो पिछले 4 टैक्स ईयर में क्या था, नॉन रेजिडेंट। तो अगर एक शख्स पिछले, अब वो शख्स कौन है, मैं उसकी बात करूंगा, एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये लॉ जो है किसी फॉरेनर के लिए नहीं है, ये लॉ सिर्फ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कौन होता है, जो पहले यहां हो, यहां से गया हो, फिर वापस आया हो, लौट के वही आता है जो पहले एक जगह मौजूद हो, वहां से जाए और फिर लौट के वापस आए, ठीक है ना। हमारे बहुत से लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर वहां सेटल होते हैं, लेकिन जब बच्चे जवान होने लगते हैं तो बोलते हैं भाई वापस आ जाते हैं अपने मुल्क में, या फिर बाद लोग बोलते हैं मरना तो वतन की मिट्टी में है बेटा, तो वतन की मिट्टी में आके मरेंगे, दफन दफन तो ये होना है, तो फिर वो लौट के आते हैं, 20 20 साल, 30 30 साल गुजार कर, पलट के कभी देखा नहीं होता, फिर आते हैं मुल्क के अंदर वापस। तो ऐसे लोग जो रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट है, ऐसे लोग जो रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट है, उनकी पहचान क्या है, उनकी पहचान ये है कि पिछले 4 लगातार टैक्स ईयर में वो क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट, और करंट टैक्स ईयर में क्या बन गए, वो रेजिडेंट, ठीक है जी। तो उन पर उनको उनको जो है एग्जेम्पशन मिलेगी, किस चीज की एग्जेम्पशन मिलेगी, कि रेजिडेंट आम तौर पर रेजिडेंट होने के बना पर उनकी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स होनी चाहिए, और टैक्स फ्री तो नहीं, वैसे ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फर्ज कर लें अभी जब हम इसको समझ रहे हैं तो हम टैक्स ट्रीटी अज्यूम नहीं करेंगे, हम ये बोलना चाह रहे हैं बगैर टैक्स ट्रीटी के कोई सिचुएशन बनती है जिसमें रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स ना हो, हमने कहा ये आपके सामने सिचुएशन मौजूद है। तो अगर एक शख्स पिछले 4 प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर में क्या था, नॉन रेजिडेंट, और वो करंट ईयर में क्या है, रेजिडेंट, तो फिर वो रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट कहलाएगा, और रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट होने की बिना पर ना सिर्फ उसकी करंट ईयर की फॉरेन सोर्स इनकम, बल्कि उसकी फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग ईयर मतलब आने वाले साल की फॉरेन सोर्स इनकम भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट जाएगी बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के। तो अगर कोई इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है, तो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की डेफिनेशन में फॉल होने से क्या फायदा होगा, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की डेफिनेशन में फॉल होने से क्या फायदा होगा, कि बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के ना सिर्फ उसकी करंट ईयर की फॉरेन सोर्स इनकम, बल्कि उसकी आने वाले साल की भी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के, बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के, ठीक है जी। चाहिए बात समझ में आती है आप लोगों को, चलो रिपीट करने की बात हो रही है, मुझे बता, थोड़ी मुश्किल बात है, बजात बेटा जरा देखते हैं, इधर से रिपीट करते हैं, जरा देखिएगा, तवज्जो करनी है, तवज्जो क्या है, क्या ये प्रोविजन तमाम इंडिविजुअल्स के लिए, नहीं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोविजन किसके लिए, ये प्रोविजन किसके लिए, एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पहली बात। अगर कोई फॉरनर, बेटा सोचो, तो एक टेक्निकल बात सोचो, अगर कोई फॉरनर जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान आता है, तो पिछले 4 साल में तो कभी वो आया नहीं पाकिस्तान, तो पिछले 4 साल में तो वो क्या हुआ, नॉन रेजिडेंट। तो इस तरह तो कोई भी शख्स मुंह उठा के क्या बन जाएगा, रिटर्निंग एक्सपर्टेड बन जाएगा। तो क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये किसी फॉरनर के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं बेटा, इस प्रोविजन को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक शर्त पूरी करनी है कि आप कौन है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान।
पहली बात ये एक्सेप्शन किसके लिए है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैं सारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ, पहले सुनिए गौर से। एक मैं जवाब दे रहा हूँ एक एक बात का। इफ एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट इज रेजिडेंट, बड़े बेटा इज रेजिडेंट इन द करंट टैक्स ईयर बट वॉज नॉन रेजिडेंट इन द फोर प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। अगर एक शख्स जो कि रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है वो रेजिडेंट है करंट टैक्स ईयर में 2020 में, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट था, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट था पिछले 4 टैक्स ईयर्स में, 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। हिज फॉरेन सोर्स इनकम, तो फिर रेजिडेंट होने के बावजूद उसकी फॉरेन सोर्स इनकम शेल बी एग्जेम्प्ट, माफ कर दी जाएगी हमेशा के लिए। नहीं, हमेशा के लिए नहीं, कौन से साल की? करंट टैक्स ईयर की, जिस साल में वो रेजिडेंट है, और उसके बाद वाले ईयर की, यानी कि 2021 इन एंड इन द फॉरेन टैक्स ईयर। तो ये जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट का प्रोविजन है, ये प्रोविजन उसको बेटा फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स लगने से बचा सकता है बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के। बस शर्त ये कि वो बंदा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की डेफिनेशन में क्या कर जाए, फॉल कर। अब मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास सवाल आ रहे हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए बेटा, आप आपका सवाल आया, उसका जवाब देने जा रहा हूँ, सुनिएगा जरा गौर से, फिर कोई और सवाल हो तो जरूर कीजिएगा, और मुझे फाइनली बताएगा बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तब क्या कहते हैं, रब नवाज आपके सवाल का जवाब आ गया। स्टेटस रेजिडेंट, स्टेटस नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट। तो जो मैंने सेकंड केस लिखा रब नवाज बेटा, जो मैंने सेकंड केस लिखा रब नवाज, रब नवाज, जो मैंने सेकंड केस लिखा बेटा, उसमें एक शख्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, ये पहली कंडीशन, तो वो एक कंडीशन पूरी कर रहा है। लेकिन जरा आप गौर करें कि वो 2020 में रेजिडेंट है, लेकिन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में से वो 3 साल में नॉन रेजिडेंट है, लेकिन 1 साल में क्या था, वो रेजिडेंट है। तो क्या अब उसको हम रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट ट्रीट करें? जवाब है नो। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट जब माना जाएगा जब पिछले 4 टैक्स ईयर में नॉन रेजिडेंट हो और करंट टैक्स ईयर में क्या हो, रेजिडेंट हो। कौन? इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा आपको? समझ में आती है बात? तो इसका मतलब सेकंड केस में हम उसको रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट नहीं मानेंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, आने वाले साल की उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी, उसकी लिमिट भी तो होगी ना। लिमिट मतलब मॉनेटरी लिमिट, अमाउंट, पैसे, नंबर ऑफ, अमाउंट की बात कर रहे हो बेटा? साध नहीं बेटा, लिमिट नहीं है कोई, एग्जेम्प्ट टू एग्जेम्प्ट, करोड़ों रुपए में एग्जेम्प्ट, ठीक है? सही है साध? ओके हाँ बेटा, वजाहत। अब ये क्लियर हुआ आपको या अभी भी कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा? वजाहत, वजाहत, रिपीट तो मैंने किया, मैंने वहां के रिपीट किया, जरा बताओ, वजाहत से पूछ रहा हूं मैं, क्लियर है? इफ एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज रेजिडेंट इन द करंट टैक्स ईयर बट ही वॉज नॉन रेजिडेंट इन द 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, हिज फॉरेन सोर्स इनकम शेल बी एग्जेम्प्ट इन द करंट टैक्स ईयर एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। तो फिर रिपीट कर दूं, ये एग्जेम्पशन लॉ ने प्रोवाइड की है बेटा, कोई टैक्स ट्रीटी नहीं। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं प्रैक्टिकल और जो एग्जिस्ट करती है रियली। एक और गुलूकार का नाम ले रहा हूं, एक और गुलूकार का नाम ले रहा हूं, आप शायद जानते हो, शायद एक गुलूकार है गुलाम अली के नाम से, आतिफ असलम की बात नहीं कर रहा यार, गुलाम अली को जानते हैं? कोई जानता है आप में से गुलाम अली?
कोई नहीं जानता भाई, वो वही पुराने दौर के सिंगर, मतलब उस्ताद वाले नहीं, उस्ताद होते सिखाने वाले, शायद कोई जानता हो शायद कोई नहीं जानता। अच्छा आज सुनेंगे भाई, सुनने का नहीं बोल रहा मैं तो, प्रैक्टिकल मैं तो अपनी एग्जाम्पल ला रहा हूँ यार। सर लॉकडाउन में आप सॉन्ग सुन रहे हैं? नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया भाई, ठीक है। हाँ वो है कि चलते फिरते कहीं से आवाज आते तो अलग बात है, इसलिए इंफॉर्मेशन सारी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। शहर में क्या चल रहा है उसकी मालूम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये अब अल्लाह जानता है। नहीं ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है जो आयत आप कह रही हैं, ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है जो आप बता रही हैं। लॉ होगा तो हम बात करेंगे ना, हम अपनी तरफ से कोई लॉ तो नहीं बनाएंगे, अगर ऐसा कोई लॉ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। जो लॉ आपने अपनी तरफ से बना लिया ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं, ओके। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था गुलाम अली की। था ये कि गुलाम अली को इंडिया में एक म्यूजिक स्कूल ने हायर कर लिया था बतौर एम्प्लॉय, तो इन साहब की रिहाइश भी इंडिया में थी। अच्छा एक साहब और हैं जिनको हम जानते हैं, अदनान समी खान, मेजर अदनान समी खान, वो तो पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ के चले गए ना बेटा, वो तो इस वक्त पाकिस्तान नेशनल नहीं है, उन्होंने तो वहां जाके इंडिया की नेशनलिटी हासिल कर ली है, जो कभी उनके खतरे में है। अभी वहां जो एनआरसी आएगा, और एनआरसी होने के बाद जो वहां जो लोग आए थे, तो पाकिस्तान की उन्होंने क्या किया, अदनान समी खान साहब ने पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल करके इंडिया की नेशनलिटी हासिल कर ली, ठीक है। वो तो इस वक्त पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, तो अगर अदनान समी खान किसी भी वक्त पाकिस्तान वापस आने का फैसला करते हैं, अगर अदनान समी खान किसी वक्त पाकिस्तान वापस आने का फैसला करते हैं, तो पिछले 4 टैक्स ईयर में अगर वो क्या हुए, नॉन रेजिडेंट, और करंट टैक्स ईयर में क्या बन गए, वो रेजिडेंट, तो क्या आप उनको रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट मानेंगे? नो, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, भले उसका नाम अदनान समी हो। बेहतरीन बात कर दी, बेहतरीन बात कर दी। अच्छा अब वापस आता हूँ गुलाम अली की तरफ। गुलाम अली जॉब करने इंडिया गए हैं भाई, वहां की म्यूजिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं छोड़ी बेटा। लेकिन जरा बताइए, अगर एक बंदा इंडिया में जॉब करता है तो उसका ज्यादा वक्त कहाँ गुजरता होगा, इंडिया में, पाकिस्तान में? इंडिया में, इंडिया में वक्त गुजरने की बिना पर गुलाम अली जो है वो पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। फर्ज करें गुलाम अली साहब, फर्ज करें गुलाम अली साहब 2016 में नॉन रेजिडेंट थे, 2017 में नॉन रेजिडेंट थे, 2018 में नॉन रेजिडेंट थे, 2019 में नॉन रेजिडेंट थे, और इंडिया के हालात खराब हो गए। उन्होंने कहा अब मैं मदीद में जॉब नहीं कर सकता, मेरा वहां रहना मुश्किल है। अब वो लौट कर पाकिस्तान वापस आ गए, और वो टैक्सीयर 2020 में क्या बन गए बेटा, रेजिडेंट बन गए। तो क्या आप गुलाम अली साहब को रिटर्निंग एक्सपाट्रिएट मानोगे? जबरदस्त मानोगे, बेहतरीन बात। अच्छा अब हम शुरू से सिनेरियो अप्लाई करते हैं इनके ऊपर। फर्ज कर लीजिए कि गुलाम अली साहब की पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज हैं, तो उधर से रेंट आता है, पाकिस्तान में कुछ इन्होंने कॉन्सर्ट परफॉर्म किए हैं, आते जाते रहते थे वो, लेकिन कम दिन रहे पाकिस्तान में, तो उसकी बिना पर भी पाकिस्तान सोर्स इनकम है उनकी, ठीक है। अच्छा शेयर्स वगैरह भी खरीदते होंगे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, तो कैपिटल गेन भी इनके पास है। लेकिन जो इंडिया से वो पैसा कमा रहे हैं, स्कूल वहाँ जो स्कूल में पढ़ा रहे थे वो, वहाँ से सैलरी मिल रही थी, वो क्या कहलाई उनकी फॉरेन सोर्स इनकम, ऐसा ही है। अच्छा साथ साथ उन्होंने इंडिया में कोई बिजनेस भी कर लिया किसी को पार्टनर बनाकर, तो वहां से वो बिजनेस इनकम भी कमा रहे हैं, और वो बिजनेस उनके पाकिस्तान वापस आने के बाद भी चल रहा है, वो खुद पाकिस्तान नहीं, तो अब वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है,
और उनको ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है बल्कि इंडिया वाली इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है। लेकिन अब अगर वो बच सकते हैं तो वो कैसे बचे, कैसे बचे, जरा सोचिए। मैंने क्या बोला, मैं लॉ को शुरू से अप्लाई कर रहा हूं, मैं लॉ को शुरू से अप्लाई कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट पर्सन को ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है बल्कि अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। अब सवाल, क्या पाकिस्तान के दरमियान टैक्स ट्रीटी है? जवाब नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुलाम अली साहब नहीं बच पा रहे। तो क्या अब उनके बचने की गुंजाइश है? हाँ है सर, क्योंकि अगर वो पिछले 4 साल में क्या थे, नॉन रेजिडेंट थे, और करंट ईयर में क्या है, रेजिडेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट होने ने क्या कर दिया, उनको बचा लिया। और ना सिर्फ उनकी 2020 की इंडियन इनकम या कहीं से भी उनकी इनकम हो, फॉरेन कंट्री, किसी और कंट्री से भी हो, ना सिर्फ 2020 की उनकी फॉरेन सोर्स इनकम बल्कि 2021 की भी उनकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी पाकिस्तान में, टैक्स होगी या एग्जेम्प्ट होगी, एग्जेम्प्ट 2022 की इनकम, 2022 की इनकम, 2022 की इनकम, फिर 20 की एग्जेम्प्ट होगी, 21 की एग्जेम्प्ट होगी, 2022 की टैक्स होगी, टैक्स होगी, जबरदस्त, बेहतरीन। और अगर 2022 में पाकिस्तान और इंडिया की टैक्स ट्रीटी हो जाए तो, और अगर 2022 में पाकिस्तान और इंडिया की टैक्स ट्रीटी हो जाए तो एग्जाम कैसा, मजा आ रहा है बेटा, लॉ लॉ में मजा आ रहा है, देख रहे हो एक पॉइंट से किस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, यहां से कहां पहुंच रहे हैं पता नहीं लग रहा। कभी एग्जाम करवा रहे हैं सर, कभी टैक्स करवा रहे हैं, क्या लगा रखा है आपने सर, ये मजाक चल रहा है तो हमारे साथ। तो थोड़ा सा पॉइंट ट्विस्ट करो, जवाब चेंज हो जाएगा बेटा आपके सामने, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं ये आपको रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वाला पॉइंट समझ में आया होगा, यस और नो। चलें, एग्जाम में इसमें एक क्वेश्चन आया जो आपको मैं रखूंगा आपके सामने, लेकिन डिस्कस करता हूं रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट के ऊपर। एक शख्स पाकिस्तान का एम्बेसडर था जर्मनी में पिछले 5 साल से, ठीक है, हुकूमत चेंज हुई और उन 5 साल में उसने पाकिस्तान विजिट नहीं किया या बहुत कम विजिट किया। हुकूमत चेंज हुई और हुकूमत चेंज होने के बाद उसको उसके ओहदे से हटा दिया गया, वो जर्मनी से वापस पाकिस्तान आ गया। उसके पास जर्मनी की सोर्स ऑफ इनकम भी है, उसके पास जर्मनी के अलावा भी बिजनेस उसका किसी और मुल्क में चलता है, इसके पास और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी है, और वो पाकिस्तान आ गया है 6ठे साल में, और उसके पास पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं एम्बेसडर है, जो कल तक एम्बेसडर था अब वो एम्बेसडर नहीं है, अब जो ये लौट कर पाकिस्तान आया है, ये एक तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी है, और पिछले 5 टैक्स ईयर में इसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में इतना नहीं था कि इसको हम रेजिडेंट मान लें। ज़रा बताइए कि क्या इस एम्बेसडर के ऊपर टैक्स ट्रीटी नहीं है, टैक्स ट्रीटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स ट्रीटी नहीं है, क्या इस एम्बेसडर के ऊपर रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट का प्रोविजन अप्लाई होगा, ये मेरा सवाल है आपसे। भाई नवाज शरीफ हुकूमत में एम्बेसडर था, इमरान खान ने हटा दिया उसको, पांच साल तक उस मुल्क में रहा नवाज शरीफ दौर में, इमरान खान ने आते हटा दिया उसको, अब वो पाकिस्तान आ गया वापस। जवाब दे, तो टैक्सेबल नहीं, बताइए क्या वो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है या नहीं, टैक्सेबल क्या बोल रहे, सिटीजन पाकिस्तान के, तभी तो एम्बेसडर लगाया यार अल्लाह के बंदू। मैंने क्या बोला, एक बंदा पाकिस्तान का सिटीजन था, उसको आपने जर्मनी में एम्बेसडर लगा दिया, 5 साल वो जर्मनी में रहा, हुकूमत चेंज हुई और हुकूमत चेंज होने के बाद वो लौट के पाकिस्तान आ गया,
और करंट ईयर में वो रेजिडेंट है, क्या आप उसको रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट मानोगे? सवाल बड़ा सिंपल सा है। सिंपल सा सवाल करो, क्या पिछले 5 सालों में या पिछले 4 सालों में वो रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था, ये सोचो। पिछले 4 साल में वो क्या था, रेजिडेंट था नॉन रेजिडेंट था? रेजिडेंट था। भूल गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड इज रेजिडेंट विदाउट हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। आप भूल, देखो कैसा भूले आप लॉ को, देखो कैसा घुमाया एग्जामिनर ने आपको, घुमा दिया ना एग्जामिनर ने आपको, नहीं घुमाया, घुमा दिया। तो भाई अगर ये एम्बेसडर था, ये गवर्नमेंट जॉब पे था पाकिस्तान से बाहर, तो ये बगैर फिजिकल स्टे के भी क्या था, रेजिडेंट था। यानी पिछले 5 साल में या 4 साल में पाकिस्तान में ना होने के बावजूद भी इसको क्या मानना पड़ेगा, रेजिडेंट मानना पड़ेगा। अब ये भले लौट के पाकिस्तान वापस भी आ जाए, तो इस पर रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, भले ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना हो। क्योंकि पिछले साल में, पिछले 4 साल में इसको हमने रेजिडेंट ट्रीट किया है, और रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट बनने के लिए पिछले 4 साल में क्या होना जरूरी है, नॉन रेजिडेंट। तो देखो एग्जाम में सिनेरियो कैसे बन रहे हैं, एग्जाम में सवाल कैसे आ रहे हैं, एग्जामिनर कैसे ट्रैप तैयार करके बैठा हुआ है तुम्हारे लिए। सोचो इन तमाम बातों, एग्जामिनर तुम्हारे लिए कैसा ट्रैप तैयार करके बैठा हुआ है, सोचो इन तमाम बातों को। अब सही है, अब सही है आवाज? जवाब दीजिए बेटा। ओके ठीक है जी, बात इसका मतलब रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का मैंने आपको समझा दिया। अगले हिस्से की तरफ मूव करूं भाई, बहुत स्लो स्लो आराम आराम से प्यार प्यार से समझा रहा हूं आप लोगों को, यकीन करो। एक एक देखो, अब इसमें मेन चीज है रिवीजन। अगर तुमने लेक्चर सुन के बस सुन लिया, तसली लोगे, समझ में आ गया, उसके बाद तुमने भुला दिया, तो ये सारी बारीकियां हैं। बामने कहा टैक्स में बड़ी बारीकियां हैं भैया, टैक्स में बारीकियां अगर आपको समझोगे तो फिर बात बनेगी। आगे बढ़ू, ओके अगला हिस्सा स्क्रीन पे देखें आप। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, तो पहला केस तो उसके लिए था जो पाकिस्तान में था, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान था, पाकिस्तान छोड़ के गया था, फिर लौट के वापस आया, उसकी बात हो रही है। अब थोड़ा कोई उसके लिए तो होना चाहिए ना भाई, कि जो वक्ती तौर पर, जो कभी इससे पहले पाकिस्तान नहीं आया और जो वक्ती तौर पर पाकिस्तान आ गया है, उसका क्या करें। हाँ भाई, फिर एग्जाम्पल लूंगा जो आपकी नजरों में एग्जाम्पल। अच्छा, हमारे पास एक और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की, पता आपको? इस वक्त पंजाब का गवर्नर कौन, पंजाब का गवर्नर कौन है इस वक्त, पता आपको? जैन कोई सवाल है तो मैं माइक ऑन करूं बेटा। चौधरी गुलाम सरवर, ऐसा ही है, पता है सबको। सरवर साहब असल में कहाँ रहते थे बेटा, पता है आपको? ये गवर्नर पंजाब बनने से पहले वो कहाँ थे, इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में, यूके में थे, बिल्कुल। और पाकिस्तान आने से पहले पिछले 4 सालों में वो कहाँ रहे, यूके में रहे। क्या स्टेटस हुआ उनका पिछले 4 सालों में, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? गुलाम सरवर का स्टेटस क्या था, क्या पिछले 4 सालों में वो इंग्लैंड में पाकिस्तान की, नहीं बेटा सोचेगा, क्या पिछले 4 सालों में गुलाम सरवर साहब पोस्टेड अब्रॉड थे क्या, या वो अपने बिजनेस के लिए वहां पर थे? वो पोस्टेड अब्रॉड तो नहीं थे, तो पिछले 4 साल में वो क्या थे, नॉन रेजिडेंट थे। और जैसे वो पाकिस्तान आ गए तो क्या बन गए, रेजिडेंट बन गए, और बल्कि यहाँ आके गवर्नर भी लग गए। तो क्या चौधरी गुलाम सरवर के ऊपर रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट का प्रोविजन अप्लाई होगा? यस होगा हमजा बेटा, होगा होगा, क्योंकि वो पिछले 4 साल जो नॉन रेजिडेंट था, उस वक्त वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी था बेटा, वहां पर पोस्टेड अब्रॉड थोड़ी था, होगा। तो देखो मैं आपके सामने कितने मुख्तलिफ सिनेरियोज ला रहा हूँ, जरा देखो जो आपके सामने जिंदगी में आपके सामने की केसेस हैं, लेकिन आप उनको एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा भाई,
अब मैं आता हूं अगले हिस्से पर. एक फॉरनर अगर पाकिस्तान आता है और वो पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए क्या बन जाता है, रेजिडेंट बन जाता है, तो वो तो फंस गया बेचारा पाकिस्तान आकर. ठीक है, अब ये बताओ वो कोच मिकी आथर पाकिस्तान आया, 3 साल तक पाकिस्तान का क्या रहा, कोच रहा. तो अगर वो 3 साल तक पाकिस्तान का कोच रहा तो उसको पाकिस्तान में स्टे करना पड़ा. तो रेजिडेंट होने के बिना पर जनरल लॉ क्या था, मिकी आथर को ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पीसीबी से मिलने वाली सैलरी, बल्कि उसको अपनी साउथ अफ्रीका वाली इनकम, ऑस्ट्रेलिया वाली इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना होगा. ये जनरल लॉ है. हाँ, वो हमारे लिहाज से फॉरेन सोर्स इनकम, ऐसे जनरल लॉ है. अच्छा, मान लीजिए कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टैक्स ट्रीटी है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, तो अब क्या सिनेरियो हुआ, अब क्या सिनेरियो हुआ? सिनेरियो ये हुआ कि मिकी आथर को अपनी साउथ अफ्रीका वाली इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना, बिकॉज देयर इज टैक्स ट्रीटी रेजिडेंट होने के बावजूद. लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाली जो ऑस्ट्रेलिया वाली इनकम है मिकी आथर की, उसको उस पर टैक्स देना होगा. ऐसे ही, ओके, गुड. लेकिन क्या अब मिकी आथर अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली इनकम पर टैक्स देने से बच सकता है बगैर टैक्स ट्रीटी के? अगर मिकी आथर अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली इनकम पर टैक्स देने से बच सकता है बगैर टैक्स ट्रीटी के, तो कैसे? क्या मिकी आथर रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की डेफिनेशन में फॉल करता है? क्यों नहीं फॉल करता? पिछले 4 साल तक वो नॉन रेजिडेंट था, इसलिए कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है. गुड, जबरदस्त बात, बेहतरीन बात. इसका मतलब रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वाला प्रोविजन मिकी आथर के लिए तो नहीं हुआ ना. रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वाला प्रोविजन तो मिकी आथर के लिए नहीं हुआ. तो अब मिकी आथर के लिए कौन सा प्रोविजन है? नीचे वाला, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट. ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म, देखो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट क्या होता है, तवज्जो से सुनो. एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फॉरेन सोर्स इनकम. एक इंडिविजुअल की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी रेजिडेंट होने के बावजूद. रेजिडेंट होने के बावजूद एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी. शर्त क्या है? पहली शर्त, विच इज नॉट ब्रॉट और रिसीव इन पाकिस्तान. ना वो रकम पाकिस्तान वो लेकर आए, ना वो इनकम वो पाकिस्तान लेकर आए अपने साथ, ना वो पाकिस्तान में रिसीव करे. इफ ही इज रेजिडेंट ओनली बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड ही इज प्रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 years. पहली बात कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वो शख्स है जो पाकिस्तान में आया है नंबर वन एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए. उसका पाकिस्तान में जो टोटल स्टे है वो 3 साल से एक्सीड नहीं करना चाहिए. अगर एक शख्स पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं आया बल्कि पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए आया है, तो क्या वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है? नहीं. एक शख्स पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया है लेकिन उसका पाकिस्तान में स्टे 3 साल से ज्यादा है, तो क्या वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है? जवाब है नहीं. तो बेटा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बनने के लिए 2 बातें बड़ी अहम है, उसके बाद फिर तीसरी बात अहम है. जवाब दे. अच्छा जी, मिकी आथर पे आते हैं वापस. मिकी आथर पाकिस्तान आया पाकिस्तान टीम का कोच बनने के लिए. क्या कोच बनना एम्प्लॉयमेंट सर्विस है? यस. शर्त है, अगर मिकी आथर को फिक्स अमाउंट मिल रहा है, फिक्स सैलरी मिल रही है. यस, गुड, जबरदस्त, ठीक है, बेहतरीन. कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या था मिकी आथर का? मिकी आथर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना था बेटा?
3 साल, आमतौर पर किसी भी कोच का 3 साल पीरियड होता है। ओके गुड, जबरदस्त। तो क्या मिकी आथर जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए पाकिस्तान आया? और अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल है तो फिर उसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में 3 साल से एक्सटेंड होता हुआ दिखाई नहीं देता, ऐसे ही? फिर उसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में 3 साल से एक्सटेंड होता हुआ दिखाई नहीं देता, ऐसा ही? तो क्या मिकी आथर इन दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है? यस कर रहा है। तो क्या मिकी आथर जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डेफिनेशन में फॉल कर गया? यस फॉल कर गया। तो क्या अब उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। एक तीसरी शर्त है, वो तीसरी शर्त क्या है कि वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनकम जो कल तक टैक्स हो रही थी अब वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने के बिना पर टैक्स नहीं होगी। एक शर्त है, वो शर्त क्या है ना, वो रकम वो इनकम वो अपने साथ यहां लेकर आया पाकिस्तान। जैसे फर्ज करो मिकी आथर को एक आखिरी पेमेंट मिलनी थी ऑस्ट्रेलियन टीम के कोच की हैसियत से और वो पाकिस्तान आ चुका था, तो उसका आखिरी चेक जो था वो उसने कहां रिसीव किया? पाकिस्तान के अकाउंट में। ऑस्ट्रेलिया से उसने आखिरी चेक कहां रिसीव किया? पाकिस्तान के अकाउंट में। तो अब क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया कि मिकी आथर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए पाकिस्तान आया, उसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से ज्यादा का नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम कहां रिसीव कर ली? कहां रिसीव कर ली? पाकिस्तान। तो अब वो फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? टैक्स हो जाएगी। लेकिन अगर वो उस फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान वाले अकाउंट में रिसीव ना करे बल्कि वो अपने ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में रिसीव करे या अपने साउथ अफ्रीका वाले अकाउंट में रिसीव करे, तो फिर उसकी वो फॉरेन सोर्स इनकम शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने की बिना पे क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? सबसे पूछ रहा हूं, दिल से बताना बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, मतलब सॉलिड बात करना है। बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा। चलो बेहतरीन बात, रिपीट। ओके दोबारा रिपीट करता हूं। देखो बेटा तला, पहले है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने की कंडीशन, तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने के लिए रेजिडेंट होना जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन है? एक फॉरनर है फॉर एग्जाम्पल, जो पाकिस्तान आता है। क्यों आया है? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, जॉब करने के लिए, और उसका टोटल स्टे पाकिस्तान में 3 साल से एक्सीड नहीं करता। तो ये दो कंडीशन पूरी करने के बिना पर क्या हो गया? वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डेफिनेशन में फॉल कर गया। अब शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने की बिना पर अगर उसकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी, और उसके एग्जेम्प्ट के लिए एक तीसरी शर्त है। वो शर्त क्या है कि जो फॉरेन सोर्स इनकम है, जो फॉरेन सोर्स इनकम है ना, वो पाकिस्तान अपने साथ लेकर आए ना पाकिस्तान में रिसीव करे। अगर वो ये तीसरी कंडीशन पूरी नहीं करता तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होना उसको फायदा नहीं देगा। मैं दोबारा एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, मिकी आथर पाकिस्तान का कोच बन गया, उसकी साउथ अफ्रीका से भी इनकम है, उसकी ऑस्ट्रेलिया से भी इनकम है, वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है। जनरल लॉ कहता है जनाब के उसको रेजिडेंट होने की बिना पर अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे, यानी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इनकम पे टैक्स देना होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में टैक्स ट्रीटी है तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है तो इनकम टैक्सेबल हो गई। लेकिन एक तीसरा पॉइंट निकल आया कि सर वो तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो उसकी अब ऑस्ट्रेलिया वाली इनकम भी एग्जेम्प्ट हो गई। उसके लिए एक आखिरी शर्त है कि वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनकम पाकिस्तान में रिसीव ना करे ना अपने साथ लेकर आए। अगर उसने ऑस्ट्रेलिया वाला चेक कहां रिसीव कर लिया? पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, तो फिर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होना उसको कोई फायदा नहीं देगा और उसकी वो इनकम भी पाकिस्तान में क्या देगी? टैक्स हो जाएगी। क्या अब बात क्लियर तलहा बेटा? गुड, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा अब ये लास्ट पॉइंट जरा पढ़ो। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई ऑन बिजनेस एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान बाय एन इंडिविजुअल फॉरेनर। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं आता, जॉब करने नहीं आता, बल्कि वो तो खुद यहां पर बिजनेस करने आया है, तो अगर एक बंदा पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए आया है, यहां पर आके अपना कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है, यहां पर आकर कोई अपने बिजनेस की ब्रांच ओपन कर रहा है, तो फिर ऐसा शख्स कभी भी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा और उसको इस प्रोविजन की बिना पर कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। विदास सवाल है कोई बेटा?
विदास सवाल है कोई, टाइप कर दो यस और नो। विदास सवाल है कोई बेटा? बोलो बेटा। सर अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया है और उसको यहाँ पे सर कोई बिजनेस समझ में आ गया और वो कर ले, तो सर वो बिजनेस पे तो टैक्स होगा मगर एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होगा यार, कैसी इस बात तरीके कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदे। जो एम्प्लॉयमेंट वो पाकिस्तान में कर रहा है वो तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो हम पाकिस्तान सोर्स इनकम की एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं या फॉरेन सोर्स इनकम की एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं यार। सर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया पाकिस्तान में और पाकिस्तान में सर वो कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर ले। यानी मिकी आर्थर को पाकिस्तान वाली इनकम पे टैक्स नहीं देना ये बात कर रहे हैं या फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं देना। हमारा टॉपिक है रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम कैसे कैसे एग्जेम्प्ट होगी। रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम तो हर हाल में टैक्स रहेगी बेटा, कोई टैक्स ट्रीटी उसको एग्जेम्प्ट नहीं करवा सकती। हम रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम की बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान सोर्स इनकम की। क्लियर? तो पाकिस्तान में आके वो जो कुछ भी कमाएगा उस पर तो उसको टैक्स देना ही देना है। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी आपको। टाइम थोड़ा कम रह गया इसलिए विदाउट मैंने माइक बंद कर दिया, थोड़ा मैं किसको कंप्लीट करूँ, अगर फिर भी क्लियर ना हो तो मुझसे बाद में पूछ लेना इस हवाले से। ओके ओके नाउ थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो क्या है, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ये तीसरा प्रोविजन है। अब ये प्रोविजन बड़ा आसान सा और सिंपल सा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई फॉरेन सोर्स सैलरी है और आप लौट कर पाकिस्तान आ गए, आमतौर पर ऐसा कब होता है, आमतौर पर ऐसा जब होता है जब जुलाई से लेकर जून का टैक्स ईयर है, फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई से लेकर 30 जून या आपका टैक्स ईयर है, तो फर्ज करें जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फर्ज करें इन 4 महीनों में आप इंग्लैंड में थे और वहां पर आप जॉब कर रहे थे, तो 4 महीने आपने कहां जॉब की, टैक्स ईयर के 4 महीने कहां जॉब की, इंग्लैंड में, वहां से क्या कमाई, फॉरेन सोर्स सैलरी। फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स आप पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में आपकी जॉब शुरू हो गई, तो टैक्स ईयर के 4 महीने आपने गुजारे इंग्लैंड में और 8 महीने गुजारे पाकिस्तान में, 8 महीने की सैलरी पाकिस्तान सोर्स सैलरी है और 4 महीने की सैलरी फॉरेन सोर्स सैलरी। क्लियर? तो टैक्स इस टैक्स ईयर में जो कि शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2019 से, खत्म हो रहा है 30 जून 2020 पर, तो 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक की आपकी जो इनकम है सैलरी और फॉरेन सोर्स सैलरी है, और फिर आप पाकिस्तान आके जॉब शुरू कर देते हैं, तो फिर आपकी नवंबर ऑनवर्ड जो सैलरी है जून तक वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो 8 महीने की सैलरी आपके पास पाकिस्तान वाली है, 4 महीने की सैलरी आपके पास जो है वो इंग्लैंड वाली है। तो बताइए 8 महीने आप पाकिस्तान में आप क्या कहे क्या रहे, रेजिडेंट रहे ना या नहीं रहे, 8 महीने आप पाकिस्तान में तो आप क्या रहे, रेजिडेंट रहे या नहीं कहला रेजिडेंट। अगर आप अक्टूबर से लेके जून तक पाकिस्तान में हैं तो भाई आपका स्टे पाकिस्तान में जो है वो 183 दिन से ज्यादा है कि नहीं, आप रेजिडेंट हैं कि नहीं हैं, तो आप जनरल लॉ अप्लाई कीजिए फिर से, रेजिडेंट होने की बिना पर आपको अपनी ना सिर्फ पाकिस्तान सोर्स सैलरी पर टैक्स देना होगा बल्कि आपको अपनी फॉरेन सोर्स सैलरी पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना होगा। यस, अब इसकी एक पहली एग्जेम्पशन क्या थी, टैक्स ट्रीटी, तो अगर टैक्स ट्रीटी है तो फिर बच जाओगे, फिर अपनी फॉरेन सोर्स सैलरी पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। क्लियर? अगर आप रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हो तब भी बच जाओगे, यस और नो। लेकिन मान लीजिए कि टैक्स ट्रीटी भी नहीं है, मान लीजिए कि टैक्स ट्रीटी भी नहीं है और मान लीजिए कि आप रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, तो ना कोई टैक्स ट्रीटी है ना आप रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हैं, अब आपकी जो 4 महीने की सैलरी है वो पाकिस्तान में टैक्स होनी चाहिए लेकिन फिर भी वो टैक्स होने से बच सकती है। कैसे? कि अगर आपने उस फॉरेन सोर्स सैलरी पर फॉरेन कंट्री में टैक्स दे दिया हो, ये प्रोविजन सिर्फ सैलरी पर है कि अगर आपने सैलरी पर, यानी सैलरी वो एक सैलरी, यानी ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ये लॉ ये बोलना चाह रहा है सैलरी एक ऐसा वाहिद हेड ऑफ इनकम है जिसपे कभी डबल टैक्स लग ही नहीं सकता। तो अगर आप बाहर से सैलरी कमा कर आ रहे हैं
सिर्फ सैलरी, बाकी हेड्स ऑफ इनकम की बात नहीं कर रहा, सैलरी सिर्फ अकेला एक ऐसा हेड ऑफ इनकम जिसपे कभी कभी भी डबल टैक्स नहीं लग सकता। तो अगर आप फॉरेन सोर्स सैलरी कमा कर आ रहे हैं और उस फॉरेन सोर्स सैलरी पर आप फॉरेन में टैक्स पे कर चुके हैं, तो सिर्फ इस बिना पर ही आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में क्या देगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बस फॉरेन सोर्स सैलरी को एग्जेम्प्ट करवाने के लिए आपको टैक्स ट्रीटी की, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट के होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जिस कंट्री से सैलरी कमा कर आ रहे हैं, अगर उस कंट्री में आप टैक्स पे करके आए हैं, तो बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के, बगैर रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हुए, आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं कि सैलरी पे डबल टैक्सेशन ही नहीं है, सैलरी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है रेजिडेंट होने के बावजूद भी। बस शर्त क्या लगाई उसके लिए कि उस फॉरेन सोर्स सैलरी पर फॉरेन में टैक्स पे कर दिया गया। पढ़ के देख लेते हैं जरा इस बात को, गौर कीजिएगा सब लोग। फॉरेन सोर्स सैलरी बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्ट इन पाकिस्तान इफ ही हैज पेड इनकम टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स सैलरी और हिज एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सैलरी एंड पेड टू द रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ दैट फॉरेन कंट्री। अगर आप फॉरेन सोर्स सैलरी कमा के आते हैं पाकिस्तान में, तो वो फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट है। शर्त यह है कि उस फॉरेन सोर्स सैलरी पर आपके, आपने टैक्स पे कर दिया हो, या आपके एम्प्लॉयर ने वो सैलरी पे करते वक्त आपका टैक्स विदहोल्ड कर लिया हो, तो यानी कि आप उस पे टैक्स पे करके आ चुके हो और वो टैक्स उस फॉरेन कंट्री का जो टैक्स डिपार्टमेंट है उस तक पहुंच चुका हो, तो इस तरह आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में रेजिडेंट होने के बावजूद भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और उस केस में आपको टैक्स ट्रीटी की जरूरत ना, टैक्स ट्रीटी की जरूरत भी नहीं है ना, ये समझा रहा हूं मैं आपको, उस केस में आपको टैक्स ट्रीटी की जरूरत भी नहीं है, टैक्स ट्रीटी के बगैर ही आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया। अच्छा अभी एग्जाम्पल थोड़े आगे बढ़ाते हैं। एक बंदा दुबई में जॉब करता, एक बंदा दुबई में जॉब करता है, सही है बेटा, जुलाई 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक वो दुबई में जॉब करता रहा। 4 महीने की उसने दुबई से सैलरी अर्न की। फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स टू जून 30 वो पाकिस्तान आ गया और इस टैक्स ईयर में 8 महीने की उसने पाकिस्तान सैलरी अर्न की। तो 8 महीने उसका स्टे पाकिस्तान में, बताइए वो रेजिडेंट है? यस, वो रेजिडेंट है। नंबर टू, उसके पास पाकिस्तान सोर्स इनकम है, 8 महीने की पाकिस्तानी सैलरी है। उसके पास फॉरेन सोर्स इनकम है, यस, 4 महीने की उसके पास दुबई वाली सैलरी है। तो क्या दुबई वाली सैलरी पाकिस्तान में टैक्सेबल होनी चाहिए? लॉ क्या कहता है? यस, जनरल लॉ कहता है कि रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स होनी चाहिए। तो क्या वो टैक्स, दुबई वाली सैलरी टैक्स लगने से बच सकती है? नंबर वन, क्या पाकिस्तान और दुबई में कोई टैक्स ट्रीटी है? नो, पाकिस्तान और दुबई में कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है। तो इसका मतलब टैक्स ट्रीटी जब नहीं है तो ये टैक्स लगने से, यानी एग्जेम्प्ट होने से, मतलब यानी ये इनकम टैक्स लगने से बच नहीं सकती। नंबर टू, क्या दुबई से आने वाला शख्स रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है? अगर है तो फिर एग्जेम्प्शन हो जाएगी खुद ब खुद, अगर नहीं है तो फिर रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वाला प्रोविजन भी अवेलेबल नहीं है। नंबर थ्री, क्या दुबई वाली सैलरी पर टैक्स कट गया था? सर दुबई में तो टैक्स ही नहीं है, तो जब दुबई वाली सैलरी पर टैक्स कटा ही नहीं है तो मुझे अपनी दुबई वाली सैलरी पर पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। तो दुबई वाली सैलरी को ना टैक्स ट्रीटी बचा सकी क्योंकि कोई टैक्स ट्रीटी नहीं थी। दुबई वाली सैलरी को रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट होना बचा सकता था लेकिन वो भी नहीं थे हम, और चूंकि दुबई वाली सैलरी पर हमने कोई टैक्स पे ही नहीं किया तो लिहाजा ये थर्ड पॉइंट भी हमें सैलरी पर एग्जेम्प्ट, सैलरी को एग्जेम्प्ट करने से बचा नहीं सकता। अब कोई गुंजाइश सर, अब कोई गुंजाइश, क्या दुबई वाली सैलरी बगैर टैक्स पे किए भी एग्जेम्प्ट हो सकती है? हाँ हो सकती है। आखिरी लाइन पढ़ो, आखिरी लाइन क्या है? सैलरी अर्नड आउटसाइड पाकिस्तान shall be exempt if a citizen of Pakistan leaves Pakistan during a tax year and remains abroad during that tax year. ये last line पढ़ लो बेटा ताकि मेरा topic conclude हो जाए। बस यहाँ खत्म करना है और आपको बताना है कि भाई बात पहुंची आप तक या नहीं पहुंची। Response का मंतजर हूं मैं आप सबके बेटा। Last line, मैं दोबारा अपनी examples को repeat कर रहा हूं।
दोबारा अपनी एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ, एक बंदे ने 4 महीने, सुने सुने बस सुने, एक बंदे ने 4 महीने जॉब की इंग्लैंड में, तो 4 महीने उसकी सैलरी इंग्लैंड की थी, 8 महीने सैलरी उसकी पाकिस्तान की थी। केस वन, वो रेजिडेंट बन गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान और उस मुल्क में कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, ना वो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, ना उसने उस सैलरी पर उस मुल्क में टैक्स पे किया है, तो लिहाजा उसको अब उसकी उस फॉरेन सोर्स सैलरी पर पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। सिनेरियो नंबर टू, सिनेरियो नंबर टू, पाकिस्तान और इंग्लैंड वाली, इंग्लैंड के दरमियान टैक्स ट्रीटी है, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम वैसे ही बच गई टैक्स होने से, अब उसको रिटर्निंग एक्सपर्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए पाकिस्तान और इंग्लैंड में कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, लेकिन वो आने वाला बंदा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, अब भी उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्स होने से बच जाएगी। अच्छा नंबर, सिनेरियो नंबर फोर, पाकिस्तान और उस कंट्री के दरमियान टैक्स ट्रीटी भी नहीं है, आने वाला बंदा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट भी नहीं है, लेकिन आने वाला बंदा अपनी सैलरी पर उस फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करके आया है, तो सर उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट हो गई थर्ड वाले पॉइंट के बिना पर। अच्छा जी, अब ये बंदा अगर इंग्लैंड से नहीं आता बल्कि कहां से आता, दुबई से आता, तो अगर एक बंदा दुबई से पाकिस्तान आ रहा है तो नंबर वन टैक्स ट्रीटी नहीं है, नंबर टू रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट भी नहीं है, नंबर थ्री उसने अपनी फॉरेन सोर्स सैलरी पर टैक्स पे किया ही नहीं है, तो अब क्या होना चाहिए, अब उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में टैक्स होनी चाहिए, तो क्या गुंजाइश है उसकी ये वाली सैलरी बगैर टैक्स पे किए भी एग्जेम्प्ट हो जाए? हाँ एग्जेम्प्ट हो जाए, गुंजाइश है। लास्ट पॉइंट, सैलरी अर्न आउटसाइड पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेंस अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। बंदा एक काम करे यार, कि जो बंदा नवंबर के मंथ में पाकिस्तान आया था, उसे चाहिए कि वो 25 जून, 28 जून, 27 जून को फ्लाइट पकड़े और पाकिस्तान से बाहर चला जाए, तो अगर वो टैक्स ईयर एंड होने तक पाकिस्तान से बाहर रहेगा तो उसकी दुबई वाली सैलरी बेटा क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये तो हमने दोनों बातें पढ़ी ना, कि फॉरेन सोर्स सैलरी पे टैक्स पे कर दे तो फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी बगैर किसी टैक्स ट्रीटी के, और अगर बंदा पाकिस्तान छोड़ दे टैक्स ईयर पर और टैक्स ईयर एंड होने तक पाकिस्तान से बाहर रहे तब भी उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये दोनों बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी के हेड के लिए हैं, और ये जो मैंने पढ़ा इसको मैं मार्क कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है बेटा, इस एरिया का सिर्फ सैलरी के हेड से ताल्लुक है, इसका किसी और हेड ऑफ इनकम से ताल्लुक नहीं है, ये प्रोविजन किसी और हेड ऑफ इनकम पे अप्लाई नहीं हो सकता। उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी, प्लीज जवाब दीजिएगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा मुझे बराए मेहरबान, आपके रिस्पॉन्स का मुंतजर हूं बेटा। यस क्लियर, क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। तो यहां तक हम, ये हमारा समझ लो चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हुआ। जो किताब हम पढ़ लेना उसका भी, वो किताब आपके पास नहीं है, वो किताब लॉकडाउन खत्म हो तो हम आपको बताएंगे, ये मैं मालूम करता हूँ शेख वाले से कि अगर उसकी शॉप खुली हो तो फिर आप अगर जा सके लतीफाबाद नंबर 8 तो फिर आप ये किताब वहां से ले लें, ताकि फिर आपको पता लग जाए मैं पढ़ कहाँ से रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा कहाँ से रहा हूँ। तो मेरे टीचर है खालिद पेटी वाला साहब, उनकी किताब है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कैफ 6 के लिए, ये आप क्या करें इस किताब को रेफर करेंगे, किताब पूरा आपका कोर्स कवर करेगी, और मैं ये समझता हूँ इससे आसान कोई किताब नहीं है जो कि नोट्स की शक्ल में मौजूद हो और आपके लिए पढ़ने की तरतीब भी आसान कर दे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये सारी गुफ्तगू समझ में आएगी, यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं, इंशाल्लाह इस पर हम फर्दर बात करेंगे अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।